हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे फ्यू फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। और आज बनाने वाले हैं हम कद्दूआ का रायता। तो किस तरह से बनाएंगे कद्दूआ का रायता, ये देखने के लिए वीडियो बने रहें। तो हमारा ये भैया आ गया है और ये काटेगा कद्दूआ। चल काट। और ये पपीता कद्दूआ बोलते हैं इसे, पपीता भी बोलते हैं और जुगनू भी बोलते हैं। हम इसका रायता बनाएंगे, चल काट इसको। तो ये कद्दूआ हमारे भाई ने काट दिया, देखिए दो टुकड़ों में काट दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम काट लेते हैं और हम इस तरीका से सारा कद्दूआ काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये इस तरीका से हमने काटा है। तो हमने ये कद्दूआ काट लिया है और हम इस कद्दूआ को धो लेते हैं। पहला हम इस कद्दूआ में पानी कर लेते हैं। तो हमने इस कद्दूआ में पानी कर लिया है और हम धो धो के इस भगोने में रखते रहेंगे। ये भगोना ले लिया है हमने और इस भगोने में रखते रहेंगे हम धो धो के। तो हमने अपना कद्दूआ धो लिया है और इस भगोने में रख लिया। तो हम इसमें कद्दूआ में थोड़ा सा पानी कर लेते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी किया है और हम इस कद्दू को ढक देते हैं और अपनी आँच पे डाल लेते हैं। अब तो हमने चूल्हे में लकड़ी डाल ली है और अब आँच पे डाल लेते हैं। तो ये हमारी आँच पे चुकी है और इस पर हम ये भगोना रख देते हैं। तो हमारा ये कद्दूआ जब तक उगल रहा है तब तक हम नॉन मिर्च बट लेते हैं। तो हमने इतनी मिर्च रख ली है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। तो हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। हमने इतना नमक डाल लिया है तो अब हम बट लेते हैं। तो अब अपना सलौटा साफ कर लेते हैं। हमने ये सलौटा धोया नहीं है। अगर हम सलौटा धोते तो हमारी नॉन मिर्च गीली हो जाती, इसलिए हमने सलौटा धोया नहीं है। तो हम इस कपड़े से साफ कर लेते हैं और हमने ये कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया है ये सलौटा। और अब हम अपनी नॉन मिर्च रख लेते हैं और बट लेते हैं अपनी नॉन मिर्च को। तो ये हमारी नॉन मिर्च बट चुकी है और अब हम इस नॉन मिर्च को इकट्ठी कर लेते हैं। तो हमने ये नॉन मिर्च इकट्ठी कर ली है और हम इस कटोरी में भर लेते हैं। तो हम अपनी नॉन मिर्च बट लाए हैं और हमने इसको तो दाल में इतना दही ले लिया है। पहला हम इस दही में थोड़ा सा पानी कर लेते हैं। तो हम इस दही में थोड़ा सा पानी कर लेते हैं पहले। तो हमने इतना सा पानी कर लिया है इस दही में और हम इस रई से चला लेते हैं पहले। और इस दही को हम मठा बना लेते हैं। इस रई से चला करके मठा बन जाता है रई से चला के। तो हमने ये मठा चला लिया है, देखिए अच्छे तरीका से ये मठा बन गया है। तो अब हम अपना कद्दूआ देख लेते हैं उगला है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा कद्दूआ अच्छी तरीका से उगल गया है। और अब हम ढक देते हैं और इस कद्दूआ को उतार लेते हैं। तो हमने ये कद्दूआ उतार लिया, मतलब भगोना उतार लिया है। तो अब हम इस कद्दूआ को निकाल लेते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं अपना कद्दूआ, निचोड़ निचोड़ के लकारेंगे हम। इसलिए निचोड़ निचोड़ के लकारेंगे इसमें पानी ना आए। तो हम इस तरीका से निकाल लेंगे। तो हमने इस भगोने में से कद्दूआ निकाल लिया है और हम अपना कद्दूआ निचोड़ लेते हैं। तो हम खूब अच्छे से निचोड़ेंगे, इसमें पानी ना रहे, इसमें बहुत पानी निकलता है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से निचोड़ना है कद्दूआ। तो हम निचोड़ निचोड़ के इस पसलिया में धक्के रहेंगे और इसी तरीका से हम सारा कद्दूआ निचोड़ लेंगे। तो ये कद्दूआ हमने अच्छी तरीका से निचोड़ रख लिया है और हम एक कटोरी लेंगे इस तरीका से और इसको बारीक कर लेंगे कद्दूआ को इस तरीका से। तो हमने ये कद्दूआ अच्छी तरीका से बारीक कर लिया है, आप देख सकते हैं। और हम अपना चमचा गर्म कर लेते हैं। तो ये चमचा हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इस कद्दूआ को इसमें डाल देते हैं मठा में। तो हमने ये कद्दूआ इस मठा में डाल दिया है और अब हम इसको चला देते हैं। ये मठा में कद्दूआ अच्छी तरीका से मिला दिया, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा चमचा गर्म भी हो चुका है, इसमें हम तेल छोड़ देते हैं। तो हमने इसमें तेल छोड़ दिया और तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे। और ये नॉन मिर्च हमारी हम ऐसे ही मिला देते हैं इस रातों में। तो हमने इस रात में मिला डाल देंगे और अब अच्छी तरीके से मिला देते हैं नॉन मिर्च को। तो हमने इस रायते में अच्छी तरीके से नॉन मिर्च मिला देंगे और ये हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा डाल देते हैं। और ये जीरा भुन जाएगा तब हम इसमें हींग डालेंगे।
तो ये हमारा जीरा भुन चुका है और इसमें हींग डाल देते हैं हम थोड़ी सी। तो हमारी हींग अच्छे से भुन गई है और हम तड़का लगा देते हैं अब इस रायते में। तो हमने इस रायते में तड़का लगा दिया है और देखिए हमारा रायता कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा रायता। तो हमारा रायता बनके तैयार हो चुका है और अब हम आटा मार लेते हैं। तो हम अपना आटा निकाल लाए हैं और अब छान लेते हैं हम। तो ये हमारा आटा छन चुका है और अब हम मार लेते हैं। तो ये हमारा आटा मर चुका है और अब हम रोटी सेकेंगे। पहले परोसन के लिए आटा छान लेते हैं। तो हमने परोसन के लिए आटा छान लिया। तो अब हम इस पे ताव रख देते हैं और रोटी सेक लेते हैं। तो ये हमारी पहली रोटी है और ये पहली रोटी हमारी गाय की है। तो ये हमारी पहली रोटी बन चुकी है और हम इसे ताव पर डाल देते हैं। तो ये हमारी गाय की रोटी सिक चुकी है और इसी तरीके से हम सारी रोटी सेक लेंगे। तो हमारी सभी रोटी सिक चुकी है और ये लास्ट की रोटी रह गई थी ये भी सिक चुकी है और हम ताव उतार देते हैं। तो हमारा कद्दूआ का रायता अच्छा लगा हो तो आप भी आ जाना खाने के लिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राम राम जी।